पहला पॉडकास्ट है जो इतनी जल्दी शूट हो रहा है हमें <laughs> उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साढ़े आठ आठ नौ <laughs> <laughs> देहरादून की सारी हीट आज होनी है सारा ट्रैफिक आज होना है सब रैलियां आज निकलनी है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आज की दिन में पहुंच जाऊँ तो गनीमत है इट वॉज अभी इससे <laughs> पहले हम बात करते हैं बिंदे धूंढाट के बारे में yes. अब प्लीज व्यूवर्स को बताओ क्या है बिंदेर धूंधाट जिन्हें नहीं पता और आप क्या काम करते हैं सो बी टी डी टी या बिंदे और धूंदाट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसी संस्था है जो हेरिटेज कन्जर्वेशन के बारे में बात करती है उसमें इन्वॉल्व है और हम लोग बहुत सारी लोकल uh, कम्युनिटीज के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ काम करते हैं कॉन्स्टेंटली एंड वी बिन इट्स बिन ऑलमोस्ट एट ईयर्स दैट वी बिन वर्किंग विद द लोकल विलेज कम्युनिटीज ऑफ उत्तराखंड और उनके साथ बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाके hmm. ट्रेनिंग्स करना स्किल्स प्रोवाइड hmm. करना सो इट इज़ ऑल्सो नॉट दिस के सिर्फ हम ही जाके कुछ सिखा कर आ hmm. रहे हैं बिकॉज़ आप पहाड़ों में जाएंगे किसी भी विलेज में जाएंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रूट लेवल काम पे hmm. तो उन्हें लगता है कि अरे क्या है शहर से सिखाने ah, आ गए हमें क्या बताएंगे ah. ना तुम यहाँ के हो ना तुम्हें कुछ hmm. पता है सो फॉर आस इट इज़ ऑलवेज अ क्रॉस लर्निंग प्रोसेस और हम लोग उनसे ज़्यादा सीखते हैं वी आर जस्ट गोइंग टू स्किल्स hmm. सब कुछ उनके पास है, हम बस कराते कि ये है, ये है और वॉक वो काफी होती है। मैं एक वॉक में आया था आप hmm. लोगों के साथ उसमे uh, सिस्टम के बारे में बता रहे थे जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता की कितना ओल्ड है वो कैल सिस्टम और exactly.

हर वीकेंड शायद दिल्ली से देहरादून आते हैं गुड़गांव से yes, देहरादून आते हैं टिपिकल कॉर्पोरेट रैट सो इज लाइक अरे ये मेरा एक गेट अवे है सो यू जस्ट टेल मी बिफोर हैंड क्या है बट देन आई टू अ सीक्रेट बिकॉज

बहुत कम लोग होंगे जो सेम होंगे बिकॉज यू नो यू माइट बी फ्री दिस वीकेंड एंड योर फ्रेंड माइट नॉट बी फ्री तो वो डायनेमिक बैठता नहीं है तो इस बार उस वजह से हमें हर बार एक डिफरेंट क्राउड मिलता है एंड वी केटर टू डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड डिफरेंट पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स सो वी हैड अ अंगेस्ट वॉकर हु हु इज वाज अ फोर ईयर ओल्ड किड एंड हु लिटरली लाइक वर्कड इन अ प्रैम दैट इज वेरी आई आई पिक्चर्स शेयर इट चाय बहुत पसंद है ये लोग चाय के इतने दीवाने हैं कि इन्होंने मेरे को वॉक के बाद बोला कि चाय पीते मैंने कहा नहीं मेरे को काम है चाय तो पीनी पड़ेगी चाय के बिना नहीं जाना तो फिर चाय पीने बैठे

Um, काफ़ी सारा रीडिंग mm, exactly. मटीरियल मतलब so yeah, yeah. exactly. so mm. ऐसा नहीं है मैंने एक बार पढ़ लीजिए और mm, जिंदगी yeah, में कभी नहीं पढ़ हुई सो वीव टू की रखती है

Mm. by presenting him a bouquet okay. and welcome to our mm. school so we are glad mm. to have you here mm. and bang on six years later i was in the team and Ooh, I, wow. it was like oh i manifested this wow. and i have this photo mm. of me in 12th grade where i'm mm. welcoming him to the school or but it's been great working with him he's an anthropologist yeah, yeah, yeah and uh, he holds his uh, level of uh, expertise in the devta culture in uttarakhand which is of course very prominent yeah. and um, we can talk about it in detail yeah, all time yeah. long with him exactly and yeah, yeah. he's been a great mentor mm, for yeah. all of us in the team chai um, kuch he does mm. not back out uh, from uh, things and he has that mm. um, mentorship mm. feeling he hota He an example also no? yeah, yeah. yeah, yeah. he comes in every walk He's there in most of the works Abhi, wo mm. thoda irregular hoge okay, because of course the work ah, is yeah, increasing and channel, yeah. he has to mm. be in a lot of ah, meetings ah, yeah, elsewhere. Ah. So I think it's the experience has been yeah, great. Yeah, yeah. The exposure is mm. massive working that's, in BTT. That's why I want to call him on the podcast because he has a lot of experience in different different fields and we can cover up a lot of topics. Yeah, yeah, yeah. And people can learn a lot from him. Yes, anything about yeah, uh, yeah, yeah. Uttarakhand, yes, the yes, yes. culture, the yeah, people. Yeah, yeah.

तब से लेके क्या मतलब अभी कुछ टाइम से ही काफी चेंजेस हो रहे हैं देहरादून में yes. और बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं सुबह उठते हैं कुछ तो नया खुला ही होता है जिधर हाँ, पत्थर मारो उधर हाँ, कैफे कैफे है तो है खुल <laughs> जाता तो, हाँ, तो मैं आपको लोगों के ओपिनियंस बताता हूँ कि जो भी चेंजेस हो रहा है मतलब मैं यूट्यूब में कुछ क्लिप्स डाले थे तो उसमें कुछ लोगों के ओपिनियंस आए थे सम ब्लेम द आउटसाइडर्स जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं कुछ गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कुछ लोग बस कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए Because that is also a very serious topic, yes, जो कि yes. देहरादून और उत्तराखंड की बहुत बड़ी problem हाँ, है। तो, हाँ तो है। what do you think about this, कि ये जो भी changes हो रहे किसी को ब्लेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपका ओपिनियन mm, क्या है ये तो आई थिंक ये personal opinion पे matter exactly, है। yeah. आप किसी को ब्लेम कर हुँ, रहे हो या नहीं कर रहे बिकॉज इफ वी आर सो उन्हें अगर किसी को भी लग रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कैफ़ेज तो इफ़ दे फील दैट यहाँ नीड है और कैफेज खोलने hmm. की तो वो खोलेंगे ना yeah. अब नीड कैसे पता चलती है लोगों से अगर उन लोगों ने सर्वे किया जनरल सर्वे इन द ग्राउंड के hmm. यहाँ पे क्या आपको कैफे अच्छे लग रहे हैं वो कहेंगे नहीं अच्छे hmm. लग रहे है वी नीड बेटर कैफे सो द मोमेंट यू से वी नीड बेटर कैफे देर आर मोर बिल्डिंग्स प्रॉलिंग अप इन द एरिया सो आई थिंक ये बहुत पर्सनल uh, ओपिनियन में डिविएट हो जाएगा hmm. सब कुछ और एज पर दिस फैक्ट के देहरादून काफ़ी चेंज हो गया है पिछले oh. 20-22 सालों में तो hmm. हाँ जब hmm. मैं यहाँ शिफ्ट hmm. हुई थी तब झारखंड hmm. से लेके राजपुर तक जंगल hmm. था hmm. सिर्फ दो स्ट्रीट लाइट्स exactly. थी yes. और कुछ नहीं था एंड वी नेवर यूज टू स्टेप आउट बियॉन्ड 8 पीएम और hmm. 7 पीएम hmm. hmm. उसके बाद तो ऐसा लगता था कि भाई अनसेफ hmm. है कोई उठा yeah, के ले जाएगा जंगल में से ऐसी फीलिंग आती थी बट नाउ नाउटाइजेशन इज एन इशूर एंड आई डिंक जो बी ये डेवलपमेंट ला रहे हैं डेवलपमेंट इज गुड टू सम बट ये ना सोचना uh, कि हम ग्रीनरी इससे इफेक्ट हो रही है एनवायरनमेंट इससे इफेक्ट हो रहा है hmm. और आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट कटिंग ट्रीज और एनवायरनमेंट ऑफ देहरादून दे आर लुकिंग एट देहरादून बिग मार्केट एंड टू अट समी मोस्ट ऑफ बिकॉज एक तो देहरादून इमेज इज मोर लाइक अ ट्रांजेशन टाउन बिटवीन ऋषिकेश मसूरी सो yeah. so, सबकी कोशिश यह रहती है कि आप ना डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट करके <laughs> okay, yeah. बस रूट क्लियर कर दो hmm. ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए दो घंटे में दिल्ली से यहाँ yeah, yeah, यहाँ से yeah, yeah, मसूरी पैंतालीस मिनट कोई टेंशन ही नहीं है hmm. उसके बाद तो वो जो है वो माइंडफुल डेवलपमेंट में नहीं आता डेवलपमेंट hmm. से कोई नहीं कतरा आता आप करो सिटीज बट माइंडफुल देहरादून इज नॉट इन अ जियोलॉजिकल सेटअप के हम इस तरीके से hmm. यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी करें वी आर इन अ सीजमिक जोन एंड आई फील एवरी वन शुड नो दिस दिसरा मेंस ये इफ एनी वन नोज इज दिस प्लेस कॉल्ड पीली दुकान और हाथी भाई, भाई का इन तो जो फॉल्ट लाइन है वो बिल्कुल exactly, उसी पहाड़ के नीचे आती है जब exactly, आप खड़े होते हो so वो सही नहीं है भाई एक को एक आएगा और चार सेकंड नहीं लगेंगे चीजें नीचे आने में प्रॉब्लम लोग सोचते हैं ऐसा होगा थोड़ी लाइक वो होता है ना एक डिनाइल होगा

उधर right. कुछ मतलब पहले इतना नहीं था hmm. तीर्थ स्थल को क्यों मतलब भोले बाबा ऊपर पहाड़ों में गए ना hmm. ये सोच के कि यार मुझे सिविलाइजेशन <laughs> से दूर हटना exactly. है जान छोड़ो मेरी exactly. थोड़ा लेट मी गेट सम पीस एंड मेडिटेट दिस इज दिस इज द ओशन रिलेटेड टू शिव एज अ डाइटी दैट ही मूव टू द माउंटेन्स बिकॉज ही वज लाइक यार इंसानों का बहुत yeah. ज्यादा ही वो yeah. अप्रोच exactly. लगाने की hmm. कोशिश में है hmm. तो मैं थोड़ा सिक्लूडेड hmm. uh, hmm. जगह hmm. पर जाके मेडिटेट hmm. hmm. करता हूँ आई बी इन माई ओन स्टेट ऑफ पीस

तो uh, मैं जब भी अपने गेस्ट को बुलाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ना उनमें ढूंढता हूँ कि कुछ मैं किसी चीज़ से मैं रिलेट कर सकूँ तो मैंने डरने वाली, <laughs> <दरने> वाली, <laughs> <नहीं, laughs> वाली बात नहीं डरने वाली बात नहीं है तो मैं जब आपकी प्रोफाइल देख रहा था इंस्टाग्राम की उसमें मैंने एक नंबर देखा इलेवेन इलेवेन yeah. तो उससे मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ वो आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है वो नंबर सो बाई दो मेरा वॉल पेपर भी है फोन का ओके इलेवन इलेवन एंड आई बिलीव इन यूमरोलॉजी एंड आई फील दैट सो दीज रेक आर एंजल नंबर्स और जब ये आपको दिखते हैं वेरी रैंडमली सो इफ यू सी देम से अबाउट कार का नंबर प्लेट या फोन के लास्ट डिजिट्स hmm. किसी के ऐसे हैं या कुछ hmm. है So, uh, usme there is a message that the universe is trying to convey mm -hmm. through those numbers. Mm -hmm. So, all the numbers are energies mm -hmm. that come from the universe. Okay. Yeah. So, eleven eleven is an energy that talks about manifestations, mm -hmm. strong manifestations, strong and it emotions. talks about um, that you know you are headed on the right path. Exactly. You're being guided by the universe. Mm -hmm. So, I believe in that. That yeah. I'm guided, being guided by mm -hmm. the universe, and I'm on the right path.

encircle yourself and surround yourself with hmm. the right kind of people exactly and uh, that is very important if you want hmm. to grow in life yeah. stagnation nahi chahiye exactly Or chahiye ki aap focused bhi rahe and dynamic maintained ho, you have hmm. to be surrounded by the right people, right people. now when do you yeah. find those right people and how do you find it that hmm. is the that is your thing to do yeah 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 but wo ek

वन जीरो वन जीरो का थोड़ा डिफरेंट हाँ हिंदुज्म में वन जीरो का काफ़ी वो है क्योंकि हम लोग जितना जाप करते हैं मालाओं का जितनी बार चैन करते हैं वो वन जीरो टाइम्स होता है इट इज़ ऑल्सो वन जीरो इज़ अ पावरफुल नंबर इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी तो आप जो मैं स्ट्रॉग मैनिफेस्टेशन की बात करी थी ना वो वन जीरो में इट्स वेरी ट्रू सो यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर

सबसे नीचे लोअर बैक पे वहाँ से धीरे-धीरे आते-आते यहाँ तक आता है एंड द स्टेट ऑफ लेवल ऑफ द मेडिटेशन इट राइजेस लाइक दैट एंड यू फील इट फिजिकली सो व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ना तो आपको धीरे-धीरे वो लेविटेशन मतलब फिजिकली आप भले ही ना कर रहे हो बट आपको सोल वाइज फील होगा कि मैं लेविटेट कर रहा हूं फील लाइटर एंड देयर इज दिस लाइट इनसाइड मी सो

वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है हुँ। बस वो चीज़ इमेजिन करो कि वो घूम रही है बॉल एक आ, लाइट हो रखी है बहुत ज़्यादा बॉल और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है उसका रीज़न ये कि कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ पे अपना फोकस करें ना तो वो चीज़ बेटर होती जाती है हाँ। हम किसी भी चीज़ पर अपना फोकस डालें तो अगर आप अपने चक्रास पे फोकस करो तो वो चीज़ बेटर हो सकती है

सम टाइम बैक माई हार्ट चक्रा फेल्टीक सो आई किसी को मना नहीं कर सकती mm. वाला था mm. मेरे okay. पास हमेशा यू आर ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज गिविंग टू पीपल नो वंस योर कप इज एम्प्टी हाउ विल यू गिव आपका कप फुल होना चाहिए ah, ना किसी और के कप ah, में पोर exactly. करने के लिए तो सेल्फ लव की भारी बहुमत से कमी पाई गई और बाउंड्रीज नहीं थी so i started meditating then mm. the healing stones also help oh, in meditating nice. a lot mm. they align your energies okay. with the stone and they mm. help you heal so i felt there was a considerable amount of oh. improvement in my mm. behavior and mm. me in general mm. so it worked for me No, i really believe in these things Matlab

अपना तो एनलाइटनमेंट कर ही रहे हो hmm. अपने साथ वालों को भी साथ लेके चलो यू नो इट्स मोर अबाउट द कम्युनिटी थिंग आप साथ लेके चलो इन okay. आना इज दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कर्मस एंड यू विल गो अप देयर अलोन सो यू आर आंसरेबल ओनली फॉर योर सेल्फ बट लिटिल ऑपोजिट इट टॉक्स मोर अबाउट कलेक्टिव प्रेयर्स एंड People and mm. collective enlightenment okay. of the whole clan—it's okay. more like that. Hmm. So Mahayana's a uh, practice hai, which is the Japanese form of Buddhism. Okay. It's called the Lotus Sutra. Okay. So I follow that mm. Lotus Sutra. is call Nichiren Buddhism hmm. because Nichiren was the founder of the practice. Okay. And um, in Lotus Sutra, there is no idol worship. Hmm. मतलब ऐसे नहीं है कि आप मूर्ति को पूछ रहे हैं hmm. ऐसा कुछ दो वी हैव अ बुत सुदान विच इज लाइक अ वॉल में फिक्स्ड टेंपल थोड़ा सा ऐसे क्यूबॉइड टाइप होता है और उसके अंदर hmm. एक जापानीज इंस्क्रिप्चर होता है सो वी जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ दैट एंड वी चैनट एंड प्रे सो देर आर अ फ्यू चांस दैट वी डू विच टॉक अबाउट हाउ योर सफरिंग्स आर वेरी मिनिस्ट्यूल दे आर वेरी छोटा एज कंपेयर टू द वस दैट अदर पीपल आर गोइंग थ्रू बिकॉज दैट इज वॉट इट मेजरली टॉक्स अबाउट मतलब ठीक है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इज अंडरस्टैंडेबल या गोइंग थ्रूड टाइम बहुत बुरा वाइब्स है नहीं हो पा रहा है जीवन में कुछ बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेर इज द अदर पर्सन कमिंग फ्रॉम योर स्ट्रगल इज स्ट्रगल और दूसरे का क्या ऐसे चाय कंपानी ऐसे थोड़ी होता है ना या सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द अदर पसन इज गोइंग थ्रू सम थिंग एंड इस बिहेवियर इज ऑल्सो रिजल्टेंट ऑफ सम अदर थिंग चीज है सो इन लोटस सूत्रा वी एम्पोथाइज अलॉट वी टॉक अबाउट कम्युनिटी प्रेयर्स कि अगर हम सब चैंट करें फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू से अबाउट कुछ भी आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते mm. हैं कुछ आपको बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है आपको बहुत डर mm. लग रहा है यू नो मी दैट आई एम फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिस यू कैन ऑलवेज कॉलोअप एंड टेल दट कैन यू प्लीज चैंट फॉर मी आई हैव अ रियली इम्पॉर्टेंट एग्जाम इन दिस इफ यू हैव योर फेथ इन द प्रैक्टिस

इंटरनेशनल सोका का का है या सो अब इंडियन वो हो जाता है तो hmm. वो बीएसजी हो जाता है भारत सोका का का है ओके सो बीएसजी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं और hmm. बहुत सारी सिटीज में हैं एंड इट्स जैसे आपने वो देखा होगा ना uh, लगान में वो गाना है ना ओपालन हरे हाँ, ओपालन हरे तो बस वो सिमिलर वाइब में है दैट देर इज अ सेटबैक इन द कम्युनिटी आज पड़ोस नेबर एनी वन एवरीवन एवरी वन विल चैंट लाइक हंड्रेड पीपल इन योर नेबरहुड फॉलो बी एस जी दे चैंट फॉर यू एंड दोज प्रेयर वो लगती हैं भाई सबको आईव सीन पीपल रिकवरिंग मेराक्यूल थ्रू मतलब अपने कर्म भी होते हैं ऑफकोर्स हंड्रेड एक्स आई बिलीव दैट बट आई सीन पीपल बींग सेव्ड फ्रॉम थिंग्स पीपल इवॉल्विंग जिट आउट ऑफ नो वेर एंड नथिंग इन टू समेयर एंड समथिंग सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस और अगर आप इसे फॉलो करना चाहें सो इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट कि आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन कास्ट कलर कुछ नहीं है yeah.

Okay. Which mm -hmm. is also my WhatsApp status. <laughs> okay. So, सो mm -hmm. um, नवी हो रही क्यों Translates इन टू जिस की आप अपनी सफरिंग से ऊपर उठ के लाइफ को देखो mm -hmm. आप इवॉल्व करो अपने लाइफ mm -hmm. में एंड डिराइव दैट पावर ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम विद इन

रिलीजन एक बार देखना चाहिए प्रैक्टिस करके कि हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है 100 क्योंकि कभी कभी ना हम रिलीजन की वजह से वो प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हुँ, हमें लगता है हमारा रिलीजन ये नहीं बोलता है एक बार हम वो चीज हटा के देखें ना इवन बुक्स भगवत गीता हो गई कुरान बाइबल जो भी आपको अच्छा लग रहा है आई थिंक एक बार रिलीजन वाला पार्ट हटा के उसमें देखना चाहिए कि वो हमें सिखा क्या सब, रहा है सब सब जितने सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स हैं फेथ्स हैं सबका बेस एक ही है यस वी वी ओनली टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी वी टॉक अबाउट हाउ यू शुड सपोर्ट द अदर पर्सन नो मैटर व्हाट हिज कास्ट कलर क्रीड सेक्स रिलीजन इज एंड यू हैव टू बी काइंड टू अदर्स सो सब स्क्रिप्चर्स में ये हैं बस तरीके अलग अलग हैं बताने के बिकॉज exactly. हम अलग अलग चीज़ों में बटे हुए हैं फेथ्स हाँ। अलग हैं हाँ। तो उस हिसाब से तरीका अलग exactly. हो जाता है पर सबका जो हाँ। uh, सार है चीज़ों का हाँ। वो यही है हाँ। कि लाइफ है शॉर्टकमिंग्स आएंगी हाँ। बुरा होगा कभी हाँ। ना कभी आपके कर्मों का रिजल्टेंट हाँ। है जो भी है बट यू हैव टू लर्न टू तो hmm. exactly. uh, hmm. hmm. exactly. फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता hmm. तो तो नहीं hmm. लेकिन तुमने अगर सोच लिया कि मुझे उस जर्नी पे जाना है hmm. वो मैटर कर आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं क्या हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफी hmm. अच्छी रहती है एक एक्सरसाइज की तरह होती है और हाँ। आजकल आप देख रहे हो मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने हो रहे हैं आई थिंक हमेशा से ही थे बट ये अभी निकल के, के आ बाद आ रहे हैं। बहुत हाँ। पब्लिकली exactly. आने लग गया हाँ। लोगों को अब लगता है कि ओके okay, जो ये हमारे साथ हो रहा था ये कुछ वी आर फेसिंग सम इश्यूज आपके साथ भी आई थिंक आपने भी फेस किया ऐसा कुछ एंगजाइटी डिप्रेशन आप शेयर करना चाहेंगे बिग टाइम सो इतना मतलब डिटेल में तो नहीं बताऊंगी मैं बट जस्ट टू कीप इट श्योर सो आई फेस समथिंग फ्रॉम माई पियर्स एट फ्रॉम दट आई बॉज वर्किंग एट एंड इट वॉज हंड्रेड एक्स इन टू बुलिंग बिकॉज आई वॉज द स्मॉल टाउन गर्ल सो इट केम डाउन टू द सेम थिंग ओ या देर स्मॉल टाउन से हो बिकॉज देवर फ्रॉम द मेट्रो सिटीज सो दे हैड दिस काइंड ऑफ विजन ऑलवेज कि अरे तो छोटो डाउन है सो वॉट लाइक ट्वेंटी सब लोग होते हैं बट बहुत लोग नहीं होते आई वॉज नाइफ एंड मैंने झेला 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 कुछ महीने बट एक लेवल आ गया ना जिसके बाद झेला ही नहीं गया दो इट वॉज अ वेरी गुड जॉब आई ट्राइब फॉर इट फॉर अबाउट थ्री ईयर्स कॉलेज के जो तीन साल होते हैं और फिर होते हैं ना फाइनल ईयर में प्लेसमेंट होता है तो वो तीन साल मैंने सिर्फ उस स्पेसिफिक एम uh, के साथ hmm. पढ़ाई करी काम किया कि hmm. नहीं यार ये क्रैक करना है ये क्रैक करना hmm. है और उसने मुझे क्रैक कर दिया उसके बाद सो माई मेंटल हेल्थ क्रम्बल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड आई केम बैक टू दे ब्रेक एंड आई रियलाइज द स्टेट ऑफ माइंड आई वॉज एन टू बिकॉज वेन यू आर नॉट फाइन फ्रॉम ह्योर यू आर हैविंग अ वेरी अनहेल्दी मेंटल हेल्थ तो आपके काम पर वो प्रोजेक्ट होता है इवेंचुअली ऑफकोर्स आई रिजाइंड बिकॉज आई टोल्ड माई हायर अपट आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ ऑल दिस आई वोंट भी एबल टू परफॉर्म एंड फॉर अ प्रेस्टिजियस कंपनी लाइक योर्स आई डोंट थिंक इट विल भी वेरी फेयर फॉर मी एज एन एम्प्लॉय कि मैं अब प्रोड्यूस नहीं कर रही रिजल्ट ना या मैं काम नहीं कर पा रही ढंग से तो ऑन दैट ग्राउंड आई वुड वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट आई You know, mm. drop the job. Mm. Thanks for the opportunity, mm. but I don't think it's like kind of working mm. with me that way. So it took me really long time and years to come to a stable level to mm. even talk about it publicly. Mm. Then, um, आपको क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको स्टार्टिंग में लगता है कि बस मैं ही हूँ मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा तो आप अपने आप को गैस लाइट कर लेते हो आधा टाइम तो यू फील लाइक कि हाँ यार मेरे साथ ही ऐसा बुरा होना है और तो बाकी एवरी वन अ गुड टाइम इन लाइफ एंड द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड ना तो मेरे साथ ही सारे स्यापे डलने हैं जीवन में ऐसी वाली फीलिंग आई बट देन आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थेरेपी एंड काउंसलर्स आई रियलाइज दैट इट्स नॉट जस्ट मी It's mm. with a lot of people in exactly. different ways and mm. forms, maybe worse than mine, mm. but um, it's with everyone, and yeah, you yeah. have to uh, you should in fact learn to be kind mm. if exactly. you are in a world that talks about socializing mm. constantly, you are mm. with heroed with humans all yeah. the time, so you should always learn to be kind, mm. but you don't know what the other person mm. is going through exactly. So kindness is, is something that is uh, rare hmm. in today's world. Very rare. But uh, I hope there's a time that it's not hmm. that rare and exactly. it becomes a very common. So hmm. hmm. uh, when you were in that job, you were a good employee. Oh, perfect. Perfect. Yes, you I was a topper of the bad batch. Yeah, so. Do you think that's why they were bullying you? I have never thought about it, but I, since you mentioned maybe. it, because because I lag think. so because bullies, ka I think, I जितना देखा देखा ये कि वो अपनी किसी इनसिक्योरिटीज की वजह से किसी को बुली करते है या कुछ हाँ, करते है। नहीं पूछना चाहूंगी <laughs> वापस बट मे बी आई मीन आई डों एंगल भी हो बट एंगी एंड डिप्रेशन दे आर नॉट अ गुड प्लेस टू नो बीपल बट यू कांट you feel hungry but you don't eat yes you want to go out but there's just no energy to rather mm. change and go out or go anywhere then mm. you feel like yaar chodo yaar mm. kya karna hai jaake yeah, kaun yeah. samjhega mm. and then people also give unsolicited advices mm. which is a big problem yeah, yeah, gyan sabke paas hai yeah, yeah, yeah. hai na mm. to sab log hi wo free mein baantte mm. se muft 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 mein gyan oh, badh raha hai, hai bhi tum hi na sab theek ho jayega kya hai Haan, this, this is the, no this worst, is the worst, worst thing to tell anyone आई थिंक uh, आप जॉर्डन पीटरसन को जानते हो ही इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यार तो उनके ना काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव रहते हैं चीज़ों को लेकर तो so, hmm. उन्होंने एंगजाइटी uh, डिप्रेशन जो लोग फेस करते हैं उनके लिए बोला था कि आई नेवर टेल देम दैट दे आर ओके आई टेल देम दैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद दैम बट इट कैन बी बेटर यू कैन बी बेटर क्योंकि क्या होता है ना अगर कोई डार्क प्लेस में है तो हम उसे बोलते हैं नहीं यू आर ओके तो उसे समझ नहीं आता कि इफ आई एम ओके तो वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस

प्रॉब्लम क्या है ना वो बहुत नॉर्मलाइज किया गया है वो हाँ, सब चीजें है कि ये हाँ, तो हाँ, होता ही है, है स्कूल में बोल दिया हाँ, ना छोड़ो वो तो है ही ऐसा वो तो है ही बुरा डर्टी exactly. बॉय है डर्टी गर्ल हाँ, वो बोल तो <laughs> बोल देते <रहते laughs> कि हां ठीक है हुँ, छोड़ो बट ऐसा नहीं होता इट वो ना उनके बच्चों की कंसीएंस ऐसे होती है कि उन पे छाप छोड़ जाती है ये चीजें कि यार ठीक है बट दिस इज नॉट

ट दिस एज वो बचपन से ही आनी चाहिए exactly. है ना वो नहीं hmm. है कि अभी मेरे साथ के कितने लोग हैं उनको मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत hmm. uh, शिटी लगता hmm. है दे फील के हाँ ठीक है यार दो तो, तो hmm. पार्टी कर अपना वीकेंड पर भूल जाव टू ड्रिंक्स इन फरगेटेड बट इट्स नॉट लाइक like दैट hmm. जो चीज मुझे दो साल से परेशान कर रही है वो hmm. दो ड्रिंक दिखा तो के कैसे ठीक हो जाएगी एलेक्जर थोड़ी, थोड़ी है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हुआ है थिंक हां एंड इट विल जस्ट लास्ट फॉर व्हाट 3 4 आवर्स एग्जैक्टली उसके ऊपर <laughs> नहीं देन लाइफ विल हिट यू द नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जैक्टली तो जैसे कुछ लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं अभी उनके अराउंड जो लोग हैं उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहिए कि कैसे डील करें क्योंकि नहीं पता लोगों को एक तो आई आई डोंट थिंक बी द राइट पर्सन टू टेल परनी वन कैसे डील करूँ बट मैं ये सकती हूँ कि मेरे हाँ, साथ exactly. क्या हुआ मैं तो एग्जाम्पल बता सकती हूँ सो इन द बिगिनिंग नो वन अंडरस्टूड कि क्या है बोलती नहीं खाती नहीं जाती नहीं कहीं या अगर बहुत खा रही है तो फिर खाए जा रही है मेरे को ऐसे क्योंकि मैं एकदम स्लिम लिमू तो कैपेसिटी इसे देख के लगता नहीं है कि ज्यादा खाऊंगी ना तो लोग ऐसी सोच के देखते कि अरे इसको क्या हो गया ऐसा होता नहीं है हाँ बट इट इट्स लाइक वेन यू आर एंक्स यू जस्ट वॉन्ट टू स्टफ योर फेस विद फूड बिकॉज यू डोट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन एंड तुम्हें बस ये कि हाँ बस फूड गिव्स यू कम्फर्ट और सम अदर थिंगट एवर वॉट एवर इज योर कम्फर्ट स्पेस मेरे लिए फूड है तो मुझे को जब भी एंगजाइटी ज्यादा होती है ना मैं बहुत mm. ज्यादा ठूसने लग जाती हूँ सो पीपल नेवर अंडरस्टूड इन द बिगनिंग कि क्या हो रहा है और कैसे वो डील करे तो mm. कुछ टाइम बाद जब मैं थोड़ा स्टेबलाइज इस लेवल पे हो गई कि hmm. मैं वोकलाइज कर सकूँ hmm. कि मैंने क्या देखा या क्या झेला hmm. तो मुझे ही उन्हें समझाना पड़ा दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड अ एन अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट इफ आई वांट टू हील बिकॉज अगर आप लोग ऐसे पत्थर की तरह रहेंगे मेरे hmm. आस पास तो मैं तो हील नहीं कर पाऊंगी ना सो बिकॉज यू कॉन्ट ओनली हील अ नो मैटर यू फॉट योअर बैटल्स अ लोन बट यू कैन नॉट हील अल नीड समी अदर काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम एंड लकी आर दो फाइंड अपोर्ट सि आई हैव बीन लकी कि मुझे इन टाइम सपोर्ट सिस्टम ऐसा मिल गया माई फैमिली वॉज सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड कि शी हज नॉट हैड अ गुड टाइम एंड शील टेक हर ओन टाइम एंड अपने पेस पर यह हील करे कि मै फ्रेंड्स फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर सपोर्टिव फ्यू ऑफ दम वर लाइक रबिश कर दिया बुलशट कर दिया कि क्या यार कुछ नहीं होता ये बस तू पार्टी mm. कर और छोड़ दे घर जा इन चिल एंड ऑल बट दैट इज नॉट हाउ वेट है वट वाइट वर्क इन द फेवर ऑफ पीपल इज दैट दिस बी मोर सेंसिटिव बी काइंड

दट आई जस्ट नीड एन योर टू सो समू मी नो मुझे पता है कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका hmm. ये सोल्यूशन hmm. पता है मुझे वो सोल्यूशन hmm. कैसे इम्प्लाय hmm. करूंगी क्या करना है कब करना है hmm. वो भी पता है पर जो बॉटल अपरखा है मेरे अंदर hmm. उसको मैं रिलीज नहीं करूँगी तो मैं exactly. तो कहीं नहीं जा पाऊंगी hmm.

ज़्यादा ड्रग कंजम्शन की वजह से उन्हें हो गया था या oh. yeah. तो ही डेल्ट विद गुजरता है ना तो अगर वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं तो अप्रीशियट करना उनको बहुत जरूरी है वो एक मोटिवेशन वो पीठ में थपकी देना वो जरूरी हा, है बिकॉज एक मोटिवेशन मिलता है कि ओके वी आर ऑन द राइट ट्रैक राइट ये right, भी एक right. बहुत जरूरी चीज है जो लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि देम ऑफ <laughs>

इट इज सिंपल आप अपना फ्रेंड सर्कल जो hmm. है वो टॉक्सिक लोगों से इस टाइम पे तो एटलीस्ट नहीं भर सकते yeah, yeah, yeah. जब आप ऑलरेडी exactly. बैटल कर exactly. रहे हो तो उस टाइम पे तो आपको hmm. भी नहीं भर सकते hmm. कोई आपको अगर दिखता है और जो डील करता है उनको देखता हूँ तब पता लगता है कि ओके दिस इज़ वॉट इट इज़ ठीक है बैड फेजेज होते हैं बट uh, मैं अडिक्शन की बात कर सकता हूँ बिकॉज आई वॉज अ हैवी ड्रिंकर स्मोकर और बहुत ज़्यादा अडिक्शन था मेरे को उन चीज़ों hmm. का एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें जब मैंने छोड़ी ना तो एक वो डोपामीन को किन मिलना बंद हो गया था तो उसके लिए आई थिंक यू हैव टू उसकी जगह कुछ अच्छी आदतें उससे रिप्लेस करा दो जिनसे आपको डोबोमिन एक मिले जैसे मैंने मेडिटेशन अपने रूटीन में डाल दिया या एंड आई थिंक वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जरूरी है हम एक साथ जब दस चीजें डाल देते हैं ना अच्छी चीजें तो वो भी बहुत ज्यादा गलत हो जाता है कभी कभी आई थिंक ओवरलोड हो जाता exactly. है सिस्टम में तो मैं एंगजाइटी डिप्रेशन में नहीं रहा हूँ बट आई थिंक ये उनके लिए भी हम कह सकते हैं ये चीज कि अगर हम अच्छी चीजें डालना स्टार्ट करें तो वन बाय वन चलें वो पेस और कम्फर्ट भी लोग आपको नहीं बता सकते है ना आप अपने हिसाब से कम्फर्ट के हिसाब से चलेंगे कि अभी मैं थोड़ा सा टाइम हाफ एन आवर आई कैन स्पेर फ्रॉम माई डेली वर्क सो आईल ट्राई टू पुट ट्वेंटी मिनट्स का मेडिटेशन

रैंडम आई डी के पीछे से फेसलेस पीपल हु जिस कमेंट एंड ठीक है यू होल्ड सम ओपिनियन एंड यूर यू आर जस्ट प्रोजेक्टिंग दैट नेगेटिविटी ऑन दी अदरसन कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया तुम उस कॉन्टेंट का वो नहीं देख रहे exactly. कि क्या इनसाइट है किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो बनाया <laughs> गया कि वो फनी <laughs> वीडियो है <laughs> नहीं 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 कि नई चीज ठेस पहुँच गई है हमारी भावनाओं को बिल्कुल ही तोड़ दिया गया है तो, इज्जत वाली नौकरी है नहीं 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 शायद सबसे ज़्यादा गाली खाते हैं ये Online, सबसे ज़्यादा करते हैं और फिर भी हम रोज सुबह उठ के कंटेंट बनाते हैं मैंने आपको बोला ना नल्ला बोल दिया मेरे को YouTube <laughs> खोलने पे पे कि तुम काम नहीं है तुम पे जॉब नहीं है तुम नल्ले हो अनोन नल्ला ये अनोन आईडी एंड हैंडल नेम

And she was wearing Western clothes. Okay.

ऐसा uh, बोलने के लिए मुझे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स से काफ़ी जूते पड़ सकते <laughs> हैं बट हाँ दिस इज अ थिंग दैट सोशल मीडिया पार्शली इज अ फेक बिकॉज फेक या प्रिटेंशियस भी कह सकते hmm. हो मैं क्योंकि हर कंप्लीटली फेक नहीं भी होता hmm. ना बहुत जस्ट प्रोजेक्ट हैप्पी सो वन ऑफ माई ओन वेरी क्लोज फ्रेंड्स आई वॉज जस्ट पोस्टिंग अ लॉट अबाउट एंगजाइटी एंड थिंग्स बिकॉज उस टाइम पे चल रहा था फेज hmm. वो hmm. so he texted me out of i don't know what uh, frame of mind that people come to your page to watch happy content hmm. what okay. are you doing and then i made that rant reel ke content creators ka dil nahi hota kya <laughs> there is a specific okay. rant reel hmm. on the page that talks about ke hmm. ha yaar the hmm. dil tuta hai mera expect hai. bhi kar rahe unhe happy content dekhna hai expective ho hi kar rahe to but that is bad <laughs> well, na hum exactly. insa insaan insaan right. hai hum हम रियल चीज दिखा सकते है ना? Like, हो, हो, like, हाँ, तो हैं ना लाइक हैप्पी हो सैड हो लाइक like, इमोशन ही तो है वो इमोशन है ना तो आप आप पेज पे जाते हो वाइब के hmm, लिए मतलब एटलीस्ट exactly. मैं चाहूंगी hmm. कि लोग uh, hmm. मेरे हैंडल पे आए टू वाइब विद व्हाट आई डू एंड हाउ आई क्रिएट कंटेंट

Exactly. मैं कैसे करू आई मीन आई फील सॉरी फॉर माई फॉलोअर्सो एस एस डी गाइज आई एम सॉरी आई एम बीन वेरी रेगुलर बट लाइफ बीन ग्रेट इट बीन लाइक तो मेरे को उसके साथ भी कॉप अप करने का है ना तुम्हें अपना कॉन्टेंट का पढ़ा है यार थोड़ा तरस का अगर आप सना को फॉलो नहीं करते हो प्लीज सना को फॉलो करो बहुत फन कंटेंट है सना का थोड़ी अलग ही ये, ये आपको सिर्फ कॉम्पनसेट करने के लिए बोला जा रहा है नहीं बस बहुत फन कंटेंट है I'm <laughs> I'm glad that someone finds it fun. No? Yeah, it's very very तो I I don't बहुत hear, बहुत hear it generally from people. Uh, people are like very, मतलब, feedback mm. of course चाहिए लोगों से ना कि मैं क्या और बेटर कर सकती हूँ और कैसे और चीजें अच्छी बना सकती हूँ उन लोगों के लिए पर वो मिलता ही नहीं है क्या करें हम वो कह रहे हैं वो एंजाइटी वाले वीडियो आ गए बीच में वरना तो ठीक था मूड ऑफ हो गया मूड ऑफ हो गया हमारा अरे यू नो इलोन मस्कSaid it best कि सम ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल ऑनलाइन आर द मोस्ट आर सम ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट पीपल ऑफलाइन यस 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 बिकॉज़ वही है ना साइक्लिक पैटर्न पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी हैप्पी ऑन सोशल मीडिया दैट इज व्हाई यू प्रोजेक्ट टू बी हैप्पी ऑन सोशल मीडिया वही है ना नीड hmm. है नीड डिमांड नीड डिमांड वही वाला चीज हाँ, चल रहा है पूरा क्रिएट कर रहा है हाँ, और फिर आप, आप ये, ये, तो ये तो घूमे exactly. हाँ. तो जा रहा है आप ये नहीं देख रहे कि वो वो जो ट्रैवल कर hmm. रहा है उसने कितना सेविंग किया होगा उसके hmm. लिए उसने hmm. कितना मेहनत किया होगा hmm. एक एक अपना hmm. शूटिंग गेयर खरीदने के लिए वो कोई नहीं देखेगा कि उसने महीनों तक सोया नहीं खाया hmm. नहीं एडिट कर करके प्रोजेक्ट दिए दूसरों को बट नो वन सीज द स्ट्रगल ऑल दे वांट टू सी इज के बस गार्डन लगा दो फूलों का हमारे सामने <laughs> और कुछ <laughs> नहीं देखना बस <laughs> वो <laughs> फ्लावर शो चाहिए लोगों को उसके बाद तो आई थिंक वेयर वेयर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एंड एट लास्ट आई जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछता हूँ mm -hmm. जैसे हमारे चैनल का नाम है होपिंग फॉर तो आई वॉन्ट टू नो एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ What are you hoping for? Um, हाँ, काफी कुछ है यार सर hmm. लिस्ट बना सकती हूँ मैं बहुत लंबी सी पूरा टाइम है आपके पास uh, नहीं नहीं इतना <laughs> इतना टाइम नहीं लेना रोलिंग हमारा टाइम चल ही रहा है सबसे बट आई गेस आई एम होपिंग फॉर बिट मोर काइंडनेस इन वर्ल्ड

कि यार तू डायलॉग्स में बात करती है hmm. या हर सिचुएशन पे तेरे को गाना hmm. पता होता है yeah. क्या प्रॉब्लम है तेरी व्हाट इज प्रॉब्लम व्हाई डू वॉच सो मच ऑफ फिल्म्स बट आई जस्ट फ्यूल माय सेल्फ विद आई जस्ट होप दैट आई बेटर फिल्म्स एंड आई कीप ऑन डूइंग वॉट आई डू

has so, been a great time we've had a great day yeah yeah, yeah. kaafi we aise technical glitches <laughs> ho gae, traffic ho gaya garmi ho, gae, ho gae, <laughs> but, but we had a great episode and i'd like to have you on this podcast again oh, with wow. some more fresh topics yes. we can cover a lot of topics 100 i can na. just keep on talking yeah. about or a lot, lot of bahut pasand talk. hai topic ke bare mein baat kar lete <laughs> हां yeah. <laughs> मतलब बता दो mm, हम बोल देंगे सिंपल ओके ओके सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इट हैज बीन अ ग्रेट टाइम विद यू ओके थैंक यू थैंक यू